रूस जो है ताकतवर देशों में शामिल है, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट में आ गया है और कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि हम यूक्रेन के साथ हैं और इसका अंजाम भुगतना होगा रूस को। ये साफ साफ कह दिया गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है और उत्तराखंड सरकार ने, राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और पूरा डेटा मांगा गया है जो बच्चे, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके परिजनों से। तो धीरे धीरे यूक्रेन के कई शहरों में कब्जा कर चुकी है रूसी सेना और बहुत जल्द ही कीव पहुंचने वाली है। ये जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि मैं कीव में ही मौजूद हूं लेकिन यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे परिवार के सदस्य भी अभी कीव में मौजूद हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है, नाटो देशों पर भड़के हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया ने युद्ध में हमें अकेला छोड़ा है, जेलेंस्की कह रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति बाइडेन ने सुरक्षा का वादा किया था, जेलेंस्की की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। नाटो देशों पर भड़के हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, दुनिया ने युद्ध में हमें अकेला छोड़ दिया है, अलग थलग हमें कर दिया है, ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, नाटो देशों पर भड़के हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। की कई देशों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे लेकिन अब युद्ध में हमें अकेला छोड़ दिया है। तो बाइडेन ने सुरक्षा का वादा किया था, यह भी याद दिला रहे हैं जेलेंस्की। उन्होंने कहा है कि मैं लेकिन यूक्रेन की जनता के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, मैं यहीं पर मौजूद हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं भाग रहा हूं, मेरे परिवार के सदस्य भी कीव में ही मौजूद हैं, दुनिया ने हमें युद्ध के दौरान अकेला छोड़ दिया है। और कई ऐसे यूक्रेन के सैनिक हैं जो कि सरेंडर कर चुके हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों के सामने जिनके अपने वहां पर फंसे हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में उन लोगों की घर वापसी कराई जा सके, सुरक्षित उनको वतन वापसी कराया जा सके। और इसी वजह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वीडियो कॉलिंग के जरिए वो अपने लोगों का हालचाल ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। लेकिन ये दुख तकलीफ इस वक्त आप देख रहे हैं यूक्रेन की, जहां पर हर तरफ तबाही का मंजर है और खाने पीने का संकट भी जल्दी गहरा सकता है, ऐसी खबर भी मिल रही है। तो फिलहाल ये उन लोगों को आप सुन रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उन लोगों के। और ये देखिए सरेंडर किया गया है जो यूक्रेनी सेना की तरफ से, उनको आप देख रहे हैं। दरअसल कमांडर मारा गया और उसके बाद इस टुकड़ी ने सरेंडर कर दिया है। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, मैं रूस का टारगेट नंबर वन, जेलेंस्की कह रहे हैं कीव में ही रहूंगा, रूस पर नए प्रतिबंधों का असर नहीं है, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया, जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है युद्ध खत्म करने के लिए जल्द या बाद में बात। United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is NATO is more united and more determined than ever. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. Ой, Україн ке ек ор шехер ме еер рейд сайрен. और ये मेट्रो के तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरीके से लोगों में भय का माहौल नजर आ रहा है, दहशत हर तरफ है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेट्रो की, तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपनों का इंतजार भी कर रहे हैं और कई ऐसे जो इनसे दूर हैं लेकिन लगातार संपर्क बनाए रखने की कोशिशें की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसको जहां पर जगह मिल रही है वो वहीं पर खड़ा हुआ है अपने परिवार के सदस्यों के साथ। और इससे पहले हमने कुछ तस्वीरें आपको बंकरों की भी दिखाई थी, वहां पर भी छोटे छोटे बच्चों के साथ परिजन मौजूद है, अलग अलग कैमरों से खींची गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से आज हमले का दूसरा दिन है और कल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आज ये हमले का दूसरा दिन है यूक्रेन में तबाही की। 24 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कि किस तरीके से हवाई हमले वहां पर किए गए हैं।